हरदा जिले में ब्लॉक कांग्रेस सिराली के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं और उपभोक्ताओं ने बिजली वृद्धि को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस ने शहर के मुख्य मार्ग से रैली निकालकर विद्युत कार्यालय पहुंचे, जहां प्रभारी एई से विद्युत बिलों में हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर चर्चा की और शीघ्र उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण की मांग की। खरगोन सहित अंचल में रोजाना हो रही बारिश अब जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। बीते सप्ताह से जारी बारिश का दौर शुक्रवार को भी रहा। कसरावद में सुबह से हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई। चनावत रोड आरटीओ के सामने सराफा बाजार बिस्तान रोड आदि इलाकों में कहीं पर भी पानी की निकासी का इंतजाम नहीं होने से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई थी। जगह जगह जल जमाव होने से कई सड़कों से आने जाने में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इंदौर जिले के महू में महाराज अग्रसेन की 5146वीं जयंती को लेकर अग्रवाल महासभा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जयंती के अवसर पर महू में 10 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इंदौर में एक महिला के साथ उसके ही परिचितों ने लोन के नाम पर धोखेबाजी की घटना को अंजाम दिया है। परिचितों ने फरियादियों को होम लोन दिलाने के नाम पर अलग अलग तरह से पैसा निकाल कर हड़प लिया। फिलहाल मदारगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खरगोन जिले की कसरावद पुलिस ने शुक्रवार को औचक वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया। इस दौरान दोपहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की गई, साथ ही बगैर लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना नंबर गाड़ी मिलने पर चालानी कार्रवाई की गई।